लेखक विजय अग्रवाल। विजय अग्रवाल जी हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार हैं। इनकी रचनाएं देश प्रेम, नैतिकता और प्रकृति प्रेम का परिपोष करती हैं। राष्ट्रीय एकता, इस निबंध में लेखक ने भारत में भाषा, प्रांत, रहन सहन आदि बातों में विविधता होते हुए हम किस प्रकार एक सूत्र में बंधे हुए हैं, ये बताया है। हमारे विचार धार्मिक पौराणिक ग्रंथों के आदर्शों से जुड़े हुए हैं। इससे ही हमारी संस्कृति विकसित हुई है। शब्दार्थ विस्तीर्ण फैला हुआ, उद्घोष घोषणा, पृथकता अलगाव, लचीलापन परिवर्तनशीलता, नास्तिक ईश्वरीय सत्ता पर अविश्वास रखने वाला, आस्तिक ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास रखने वाला, मुहावरे टूट जाना, निराश हो जाना। संजीव ने पैसे चुराए, ये सुनकर माँ का विश्वास टूट गया। घुल मिल जाना, एक रूप होना। अलग जाति की होने के बावजूद भी सीमा नए परिवार में घुल मिल गई। तिलांजलि देना, समाप्त करना। हमें जाति भेदों को तिलांजलि देनी चाहिए। उचित विकल्प के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति। भाषावार प्रांतों के नाम पर दंगे प्रारंभ हुए। विकल्प हैं इकाई, भाषाई, जातीय। सही विकल्प हैं भाषाई दंगे प्रारंभ हुए। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता उसका है। विकल्प हैं बांकपन, लचीलापन, सूक्ष्मता। सही विकल्प है लचीलापन। भारतीय संस्कृति में का अद्वितीय गुण पाया जाता है। विकल्प है समन्वय, विरोध, त्रुटियों। सही विकल्प है समन्वय। यदि बुरे विचारों का गंदा पानी आ भी जाए तो वो बन जाता है। विकल्प है मधुर, पवित्र, गंगा जल। सही विकल्प है गंगा जल। एक वाक्य में उत्तर लिखो। राष्ट्र निर्माण में किस किस का सहभाग होता है? देश, देश के निवासी, देश की संस्कृति, इनका राष्ट्र निर्माण में सहभाग होता है। नदियों को किसने कड़घरों में खड़ा कर दिया है? राजनीतिक दलों ने नदियों को कड़घरों में खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय एकता के विचारों का प्रचार किन माध्यमों से किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों, समाचार पत्रों आदि द्वारा राष्ट्रीय एकता के विचारों का प्रचार किया जा रहा है। भारत के समकालीन किन देशों की सभ्यताएं नष्ट हो गई हैं? भारत के समकालीन चीन, सुमेरिया, मिस्र, यूनान, रोम और मेसोपोटेमिया आदि देशों की सभ्यताएं नष्ट हो गई हैं। 40 से 50 शब्दों में उत्तर लिखिए। माँ जैसे पवित्र रिश्ते से देश को संबोधित करने से कौन सा लाभ हुआ है? माँ के पवित्र रूप में देखने से हमारी संस्कृति अखंड रही है। केरल से कारगिल तक और गुवाहाटी से चौपाटी तक इस मातृभूमि पर जन्मे सभी धर्मों के लोगों ने और उनके द्वारा रचित साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का अंगीकार किया है। भारत पर आक्रमण करने वाली शक, हूण आदि जातियां भी भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई।
इस प्रकार देश को माँ के रूप में देखने से और संबोधित करने से लाभ हुआ है। भाषावार प्रांत रचना का देश की एकता पर क्या परिणाम हुआ? देश में भाषावार प्रांत रचना होने पर भाषाई दंगे प्रारंभ हुए, क्षेत्रीयता का विकास हुआ, आर्थिक विषमता के नाम पर अलग अलग प्रांतों ने स्वायत्तता के नाम पर अलग होने की मांग की, राजनीतिक दलों ने भी ऐसे बातों को बढ़ावा दिया, लोग मानसिक रूप से निराश होने लगे। एकता के प्रति होने वाली जनता की संवेदनशीलता भी समाप्त होने लगी। इस प्रकार भाषावार प्रांत रचना के कारण देश की एकता पर बुरा असर पड़ा। भारतीय संस्कृति